हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि ये जो प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स हैं, जो लिखी गई दवाइयां हैं, ये अपने आप में खुद बहुत बड़ी बीमारियों का कारण बन रहे हैं। तो आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जो मैं बात कह रहा हूँ कि ये जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं, जो आपके डॉक्टर ने आपको पर्चे पर लिख के दी हैं, ये आपको बड़ी बीमारियों की तरफ लेके चला जाता है और अल्टीमेटली ये मौत का कारण बन रहा है। और हैरान करने वाली बात इसमें यह है कि इसमें आधी से ज्यादा मौतें उन मरीजों की भी हुई कि जिन्होंने अपने डॉक्टर की किसी बात को नहीं नकारा, समय पे उन्होंने दवाई ली, पूरी डोज में दवाई ली, डॉक्टर को फॉलोअप भी समय पे किया, लेकिन उसके बाद भी ये इन बीमारियों में घिरते चले गए। एक बीमारी से दो, दो से तीन और फिर अल्टीमेटली मौत। उसका कारण यह है कि हर एक दवाई के कम से कम 25 से 30 साइड इफेक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं, ड्रग फूड इंटरेक्शंस होते हैं, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, अब ये दवाई लेनी है, इस दवाई के साथ नहीं लेनी है, इस समय लेनी है, खाने के साथ लेनी है, खाने से पहले लेनी है, इन दो दवाइयों को एक साथ नहीं ले सकते हैं, ये जो सारी कंडीशंस होती हैं बहुत डिटेल में लिखी होती हैं। आप चाहें तो कोई भी दवाई का डिस्क्रिप्शन उठा के पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख देता हूँ, सिर्फ एक दर्द की दवाई का। और ये दर्द की दवाई ऐसी है ना सिर्फ मेडिकल स्टोर्स पे बल्कि हिंदुस्तान में हर एक कोने पे, नुक्कड़ पे, परचून की दवाई पे आपको आसानी से मिल जाएगी। सर दर्द की गोली, बदन दर्द की गोली, जोड़ों के दर्द की गोली, हरे पत्ते वाली गोली, जिसमें होता है डिक्लोफेनिक पोटेशियम या डिक्लोफेनिक सोडियम। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि अकेले एक इस दवाई के कितने सारे साइड इफेक्ट्स हैं, इसके कितने कॉन्ट्राइंडिकेशन हैं, कितने नुकसान हो सकते हैं, जानलेवा भी हो सकते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, बेसिक साइड इफेक्ट्स हैं इस दर्द की दवाई के, जिसमें पेट दर्द, गैस, कब्ज, डिजीनेस, धुंधला दिखना। अगर हम कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, जो ये सामने आप हाइलाइटेड देख रहे होंगे इस इमेज में, जिसमें ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, कानों में घंटियों की आवाज़, टिंगलिंग सेंसेशन का होना, सुनने में दिक्कत होना, उसके अलावा किडनी का फेल हो जाना, हार्ट फेल हो जाना, लीवर फेल हो जाना, ये सब सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं या साइड इफेक्ट्स हैं सिर्फ एक इस एक दर्द की दवाई के। उसके अलावा अगर हम देखें कि इसके इंटरेक्शंस कितने होते हैं, बड़ी डिटेल में पर्चे पे लिखा होता है कि जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं या जो खून को पतला करने वाली दवाइयाँ हैं उनके साथ इसके इंटरेक्शंस हो जाते हैं, और ये इंटरेक्शंस बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं, जानलेवा भी हो सकते हैं। तो ये तो मैंने सिर्फ एक दवाई का आपको एग्जाम्पल दिया जो बहुत कॉमन दवाई है। आप सोचिए कि जब आपके प्रिस्क्रिप्शन में 8-8, 10-10 दवाइयाँ लिखी हैं तो क्या उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता होगा? क्या आपके वो शरीर के अंदर उथल पुथल नहीं मचाती होंगी? क्या वो आपकी किडनीज को फेल नहीं करती होंगी, लीवर को फेल नहीं करती होंगी? और जब आप हार्ट की दवाई भी खा रहे हैं, डायबिटीज़ की दवाई भी खा रहे हैं, पेन किलर भी खा रहे हैं, और भी बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, स्टेरॉइड्स भी खा रहे हैं, तो क्या इन सारी दवाइयों से आपको नुकसान नहीं हो रहा होगा? नुकसान हो रहा है, और यहीं से आप एक चक्र में, साइकिल में फंस जाते हैं कि आप जाते हैं तो सिर्फ दर्द का इलाज कराने और उसके कुछ दिन बाद आपको दूसरा लक्षण आने लगता है, तो और नई बीमारी आ जाती है, फिर आपका और दूसरी बीमारियां डेवलप होने जाती हैं, तो आपकी एक बीमारी से दूसरी, तीसरी, चौथी, और ये चक्कर चलता रहता है। अब होता क्या है कि आपकी दवाइयां ले रहे होते हैं, हो सकता है आपको उस समय पे, आज के समय में आपको कुछ नहीं पता लग रहा हो, मगर आपके शरीर के अंदर ये उथल पुथल मचाती रहती हैं जो आपको पता नहीं लगता है। ये जो साइड इफेक्ट्स हैं और जो नुकसान है, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं। फिर भी शॉर्ट टर्म आपको शायद पता लग जाए, मगर उनके भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं, और जो लॉन्ग टर्म है उनको तो आप कभी भी इन दवाइयों से जोड़ के देखते ही नहीं है। आपको लगता है कि एक नई बीमारी पैदा हो गई है और उसके बारे में आपका डॉक्टर भी आपको कभी नहीं बताता, वो फिर एक नई दवाई आपको जोड़ देता है एक नई बीमारी का इलाज करने के लिए, और आपका ये एक साइकिल चलता रहता है, एक बीमारी से दो, दो से तीन, तीन से चार। इसका एक दूसरा बड़ा कारण है हिडन बिजनेस एजेंडा। R&D कैसे होती है पता ही नहीं है। उसके अलावा जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसकी लॉबिंग, करप्शन, डॉक्टर्स को इन्वॉल्व कर लेना और ऐसी दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब करवा देना जो शायद आपको ज़रूरत नहीं है। तो बात आती है कि आप सॉल्यूशन क्या है, करें तो क्या करें? अगर बीमारी है तो डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा, इलाज भी करना पड़ेगा। बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सही बात है, जाना पड़ेगा। तो इसको आप, मेरी ये सलाह है कि आप दो ग्रुप में बांट लीजिए। पहला ग्रुप वो होगा जहाँ पर आपको एक्यूट कंडीशंस हैं, एक्यूट इन्फेक्शंस हैं, जहाँ पर सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, जहाँ पर एडवांस मेडिकल साइंस की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको डेफिनेटली एलोपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अपने आप को लॉन्ग टर्म बड़े नुकसान से बचाने के लिए आपको लौटना पड़ेगा नेचर की तरफ। आप वापस आइए
जो क्रॉनिक बीमारियां हैं उनके लिए, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज या लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं, जो आपके डाइट से, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से उनसे जो बीमारियां डेवलप हो रही हैं, उनसे बचने के लिए आपको नेचर की तरफ यानी कि आयुर्वेदा, यूनानी, योगा जैसी पैथीज की तरफ, पद्धतियों की तरफ आना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको एक तो साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे और जो क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं उनका इलाज आसान हो जाएगा। अपना लाइफ स्टाइल अगर आप चेंज करेंगे तो आपका इलाज जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप बड़े खतरे से और बड़े कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने ज़रूर इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा होगा। अगर वाकई ये वीडियो आपको जानकारी भरी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या इसमें फर्दर सुधार की ज़रूरत है। थैंक यू, धन्यवाद।